हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में आपको एक नए तरीके का केक बताएंगे। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में आप लोग मिठाई खा खा कर उब जाइए, तो आप अपने घर में जो बिस्कुट हैं उससे केक फटाफट बनाकर खुद खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। ये केक कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आइए चलकर देखते हैं रीना रसोई में। आज हम केक बना रहे हैं हेड एंड सिक बिस्कुट से। ये हमने 20-20 ग्राम के दो पैकेट लिए हैं। इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, फिर इस तरह से मिक्सी में पीस कर इस तरह से इस बिस्कुट का हमने पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसको बिल्कुल एक तरह का पीसना है, इसमें बुट्टे बिल्कुल ना रहें, पूरा बराबर का पीस जाना चाहिए। और इनमें हम क्या क्या सामान डालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच पिसी शक्कर ली है। शक्कर बिस्कुट में भी पड़ा है, इसलिए हम थोड़ी सी शक्कर ले रहे हैं। थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम लिया है। 1 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है। 2 चम्मच हम ऑयल ले रहे हैं, इसकी जगह आप बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सोडा और उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम इनो का प्रयोग करेंगे। 1 चम्मच इनो लेंगे। 2 चम्मच हम सूजी लेंगे। सूजी से केक में सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आती है, और आवश्यकता के अनुसार हम दूध का प्रयोग करेंगे। अब हम जब तक कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। हमने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। हमने इसमें नमक डाल दिया है, ये नमक हमारा पहले भी यूज़ हो चुका है। आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रखिए, हमने 1 कटोरी रख दी है। जब तक ये 10 मिनट तेज आंच पर प्री हीट होगा, तब तक हम केक का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। पिसे हुए बिस्कुट के पाउडर में अब हम सबसे पहले ये शुगर डालेंगे। सूजी डालेंगे, हम केवल 2 चम्मच सूजी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। इलायची का पाउडर, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पहले सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने पिसी शक्कर का प्रयोग करा है, आप खड़ी शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। केक के बैटर को एक ही डायरेक्शन में हमको मिलाना है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। सब चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। दूध थोड़ा सा आप गुनगुना लीजिएगा, इस तरह से हम एक डायरेक्शन में इसको चलाएंगे। आप जितना ज्यादा इसको ऐसे फेटेंगे, उतना ज्यादा आपका केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम ऊपर डेकोरेट करेंगे। अभी इसका बैटर गाढ़ा है, थोड़ा सा दूध इसमें और पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा। बैटर ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ये अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमारे बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे, जिससे ये सूजी सारे सामान मिलकर अच्छी तरह से तैयार हो जाए।
5 मिनट बाद इसको हम तब तक हम मोल्ड को तैयार करते हैं। अब केक को इसमें डालने के लिए ये केक का मोल्ड है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टील के कटोरे में भी बना सकते हैं। अब इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, चारों तरफ ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे। आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं, बटर पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें ऑयल लगाएंगे, देखिए हमने चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे, मैदा से इसको हम कोट करेंगे जिससे हमारा केक निकलने में आसानी रहेगी। 1 चम्मच मैदा डालकर इस तरह से हम चारों तरफ घुमाएंगे। थोड़ा सा मैदा हम और डालेंगे। सब तरफ मैदा हमारा लग गया है, अब जो ये मैदा बचा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारा केक का मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप नीचे बटर पेपर भी डाल सकते हैं। हमारा बैटर को रखे हुए 5 से 10 मिनट हो गया है। ये देखिए सूजी फूल कर थोड़ी थिक हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे, 2 चम्मच दूध, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। फिर इसको एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। आप अगर मैदे का केक बना रहे हैं तो उसमें भी 2 चम्मच सूजी जरूर डालिए, उससे केक में सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आती है। अब इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच इनो डालेंगे, आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इनो डालकर हमको तुरंत केक के मोल्ड में डालना है, इसको बिल्कुल ही रंगीन रखना है। हमने इसीलिए कुकर को भी पहले प्री हीट कर लिया है जिससे अब 1 चम्मच हम इनो डालेंगे। इसके ऊपर हम जरा सा दूध डालेंगे। अब इसको हल्के हाथ से मिलाएंगे, बहुत तेजी से इसको नहीं मिलाना है, हल्के हल्के हाथ से मिलाना है। अब फटाफट इसको हम मोल्ड के अंदर डालेंगे। दोनों हाथों से इसको उठाकर हल्का सा हम टैप करेंगे जिसके इसके अंदर जो एयर गई है वो बाहर निकल जाए। अब इसके ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चम्मच से इसको हम दबा देंगे। हमारा कुकर भी प्रीहीट हो चुका है, इसको हम सावधानी से कुकर के अंदर रखेंगे। हमारा कुकर प्रीहीट हो चुका था, इसके हमने कुकर केक के मोल्ड को रख दिया है और कुकर की हम गास्केट भी निकाल देंगे और सीटी भी निकाल देंगे। अब 30 मिनट के लिए इसको हम 30 मिनट बाद इसको हम खोल कर देखेंगे। अब हमारा मोल्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया है, हमने इसको चाकू से चारों तरफ से छुड़ा लिया था, हल्का सा टैप करेंगे। अब हम मोल्ड को निकाल देंगे। आप बैटर के जितना हो उस हिसाब से मोल्ड लीजिएगा, क्योंकि आधा मोल्ड खाली होना चाहिए तभी आपका फूल का पूरी तरह से तैयार बनेगा।
ये देखिए हमारा कितना स्पंजी बनकर तैयार है। इसको काट कर सर्व करिए। देखा आपने, घर के सामानों से हमारा केक फटाफट बनकर तैयार हो गया है। इसको काटिए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। यदि हमेशा की तरह आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।